So guys, finally Phi Phi Island pahunch gaya. We are just outside the pier. Just got ready for the pool party, the famous Ibiza House pool party. Mere piche hi hai. Let's see and let's rock. The pool party is getting hot. बट वो रात के 9 बजे तक चलेगी. उससे पहले मैंने सोचा कि अभी लाइट है तो मैं आपको मैं बीच भी दिखा देता हूँ. जस्ट ऑपोजिट टू द इबिजा हाउस पूल पार्टी इज द डालुम बीच. आप देख सकते हो सामने पूरा एक लाइमस्टोन माउंटेन्स का हिल है यहाँ पे. दिस इज द मेन पार्टी बीच. यहाँ पे लाइन से सब क्लब्स है, बीच शैक्स है जहाँ पे रात को अमेजिंग पार्टीज होती है और फायर शो वगैरह भी होता है. तो रात को मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आफ्टर द पूल पार्टी एंड्स. मैं यहाँ पे आपको लेके आऊँगा और दिखाऊंगा यहाँ पे रात का कैसा सीन रहता है फिफी आइलैंड में. स्वागत है आपको एक नए व्लॉग में. राइट नाउ आई एम इन फुकेट इन रसाडा पियर. आज सुबह ही हम लोगों का पिकअप था होटल से. सो हम लोग अभी रसाडा पियर में है. रसाडा पियर इज़ वन ऑफ द पियर्स इन फुकेट जहाँ से फीफी के लिए फेरीज जाती है. और ये है कुछ रसाडा पियर का नज़ारा. काफ़ी अमेजिंग व्यू है यहाँ से. तो कल रात को ही हमने एक पैकेज ले लिया था फुकेट से जिसमें पिकअप फ्रॉम द होटल और फेरी टिल फीफी इंक्लूडेड था. सो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 600 बात पड़ेगा. हमने तीन जन के लिए लिया था 1700 बात में. सो ऑलमोस्ट 600 बात पर पर्सन. अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ पे डायरेक्टली आ जाओगे और टिकट बुक करोगे दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. बट अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली आते हो इट विल ऑलमोस्ट कॉस्ट यू 500 बात और 600 बात पर पर्सन. सो डजंट मेक सेंस. इससे बेटर मैं सजेस्ट करूँगा आप वहाँ से फुकेट में पटोंग स्ट्रीट के पटोंग में बांग्ला स्ट्रीट के पास में बहुत सारे आपको टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स मिल जाएंगे वहाँ से आप बुक कर लीजिए. बट हाँ, अगर आपको ज़्यादा प्राइस चार्ज करें वो लोग आप नेगोशिएट कीजिए और 600 से कम में लेके आइए. मैक्सिमम 600, ठीक है, दैट शुड बी अ गुड प्राइस. बिकॉज अगर आप, मैं कैब्स भी चेक कर रहा था बोल्ट ऐप में, मेन पटोंग एरिया से यहाँ तक का कैब आपको ऑलमोस्ट 300 to 350 बात पड़ जाएगा. तो आई थिंक इट्स अ बेटर डील कि आप 600 बात में आप पैकेज ले लीजिए डायरेक्टली जहाँ से पिकअप भी मिलेगा और यहाँ पे भी आ सकते हो आप. तो ब्लॉग के शुरू में आपको मैं ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं फीफी. और फीफी में फीफी में आई एम स्टेइंग इन इबिजा हाउस होटल. इबिजा हाउस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेटर हॉस्टल्स फॉर पूल पार्टीज़. तो बहुत ही अमेजिंग पूल पार्टी होता है वहाँ पर और वो पर्टिकुलर वीक में कुछ दिन के लिए ही होता है. ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे मोस्ट प्रोबेबली. टुडे इज़ अ थर्सडे एंड आई एम गोइंग टू इबिजा हाउस टू अटेंड द पूल पार्टी. और ऑब्वियसली वहाँ फीफी के लोकल बीचेस भी एक्सप्लोर करेंगे हम लोग. और कुछ चीज़ें आपको बतानी है. यहाँ से अगर आप फेरी ले रहे हो तो दो ही टाइमिंग्स है अभी के लिए. दो टाइमिंग्स है, एक आपका कुछ 10:30 बजे से है और एक आपका सुबह सुबह आता है. आई हैव नॉट चेक द टाइम बट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो. एक सुबह का फेरी है, ठीक है, और दूसरा फेरी जाता है 12:30. उसके लिए आपको होटल से कुछ 12:30 तक पिकअप कर लेंगे वो लोग. सो दीज आर द टू ऑप्शंस. तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है आप चूज़ कर लीजिएगा. तो मैंने आपको सब बता दिया. यहाँ से आपको फेरी मिल जाएगी फीफी के लिए 600 बात में, पिकअप एंड फेरी, वैन प्लस फेरी दोनों का कॉम्बिनेशन. और आपको यहाँ से फेरी में करीब 2 घंटे लगेंगे फीफी तक पहुँचने के लिए, ठीक है. सो दीज थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड. एंड सो अभी ये सब
हटाते हैं और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहाँ से. लेट्स गो, फॉलो मी ऑन द जर्नी, सी यू इन फीफी आइलैंड. लेट्स गो. फाइनली फीफी आइलैंड पहुंच गए. वी आर जस्ट आउटसाइड द पियर. तो यहाँ से इबिजा हाउस कुछ शायद 800 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो शायद चल के ही जाना पड़ेगा, देखते हैं. सो पियर से निकलते वक्त आपको ये 20 रुपए का एक पास लेना पड़ता है. आई थिंक इट्स लाइक एन एंट्री फी टू फीफी. पता नहीं किसके लिए लेते हैं, लिखा हुआ था पियर की क्लीनिंग के लिए लेते हैं, तो कुछ एक फी है जो आपको देना पड़ता है, 20 बात. कुछ ऐसा दिखता है पियर. पहले इम्प्रेशन से तो ऐसा ही लगता है कि फीफी आइलैंड बहुत ही ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड है. आप पीछे देखो, बर्गर किंग लिखा हुआ है, बर्गर किंग है यहाँ पे, शहर बसा हुआ है पूरा यहाँ पे एकदम. थोड़ा अंदर जाके देखते हैं कैसा माहौल है, बट बाहर से तो बहुत कमर्शियलाइज्ड लग रहा है. मतलब आइसोलेटेड आइलैंड जैसा फील तो नहीं है यहाँ पे, इतना आप गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं. इस पियर का नाम है टॉनसाई पियर. सो फीफी में जितने भी बोट्स आते हैं, फेरीज आते हैं, मोस्ट ऑफ देम टॉनसाई पियर पे ही आता है. तो अगर आपका होटल टॉनसाई पियर के पास है, टॉनसाई बीच पे है, तो काफ़ी नज़दीक पड़ेगा. मैंने अपना होटल दालुम बीच के पास लिया है, इबिजा हाउस. इट्स अ हॉस्टल कम होटल, तो यहाँ से कुछ 850 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, बट वॉकिंग डिस्टेंस है. 850 मीटर्स इज़ नॉट मच. आप अंदर अंदर से जा सकते हो, पूरा शहर बसा हुआ है यहाँ पे. बर्गर किंग से शुरू करके 7-Eleven सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे. एंड पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है. दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, और यहाँ से आपको अंदर फीफी आइलैंड में एक्सेस मिल जाएगा. तो मैंने GPS ऑन कर लिया है, इसको फॉलो करते करते अभी जा रहे हैं हम इबिजा हाउस की तरफ. तो मेरे दोस्त किसी और होटल पे रुके, जो दोस्त आए थे मेरे साथ वो किसी और होटल पे रुके. मैं जा रहा हूँ अकेले इबिजा हाउस, तो वहाँ पे जाके चेक इन करता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ दालुम बीच. और इबिजा हाउस में आज पूल पार्टी भी होने वाला है 1 बजे से. सो मोस्ट प्रोबेबली अभी पूल पार्टी चल रहा है, तो वहाँ पे पहुँच के आपको पूल पार्टी मैं शायद शाम को ज्वाइन करूँगा. उससे पहले थोड़ा दालुम बीच घूमना है मुझे. तो दालुम बीच इज़ जस्ट बिसाइड इबिजा हाउस, एकदम बीच प्रॉपर्टी है ये. तो दालुम इज़ वन ऑफ द बीचेस इन फीफी. थोड़ा आइसोलेटेड बीच है, आइसोलेटेड तो उतना नहीं है, कमर्शियलाइज्ड है वो भी, बट एटलीस्ट टॉनसाई बीच से थोड़ा आइसोलेटेड है. पूरा आइलैंड मार्केट से भरा हुआ है, मार्केट्स, फूड स्टॉल्स, एवरीथिंग. तो आप देखो, ऐसे छोटे छोटे गलियों से गुजरते हुए मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ. एंड दोनों साइड में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, नॉट ओनली फूड स्टॉल्स बट कपड़ों के दुकानें हैं, एक्सेसरीज के दुकानें हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे. एंड यू विल गेट मैनी रेस्टोरेंट्स ओवर हियर. जस्ट सी, मनी एक्सचेंज भी कर सकते हो यहाँ पे आप. बिफोर आई चेक इन टू माई होटल मुझे एक स्मूदी लेना है, तो वही मैं देख रहा हूँ कहाँ पे स्मूदी मिलेगा. पहले मुझे बहुत सारे स्टॉल्स दिख रहे थे पियर के सामने, बट यहाँ पे अंदर आने के बाद उतना नहीं दिख रहा है. बट स्टिल आई विल गो फॉरवर्ड
एंड अगर मिलता है तो आई स्टॉप बाई टू हैव अ स्मूदी, उसके बाद मैं चेक इन करूँगा. सो जस्ट फाउंड अ स्पॉट फॉर स्मूदी. पीछे ही है मेरा स्टॉल बसा हुआ था एक. सो आई हैव डिसाइडेड टू ऑर्डर अ मैंगो स्मूदी. 50 बात का पड़ा मुझे ये. The mangoes look delicious, man. It looks so amazing. पता नहीं कैसा है, मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ कैसा है. मैंने बहुत लेस शुगर डालने के लिए बोला है, सो दैट आई गेट द रियल एसेंस ऑफ द मैंगो. क्योंकि शुगर डालने के बाद सब कुछ सेम लगता है, टेस्ट कैसा भी हो. तो मैं हमेशा इनको बोलता हूँ लेस शुगर डालने के लिए, अदरवाइज दे यूज़ अ लॉट ऑफ शुगर इन थाईलैंड. मेरा हॉस्टल यहाँ से करीब 400 मीटर की दूरी पे है. सो आई जस्ट बाय द स्मूदी एंड स्टार्ट वॉकिंग अगेन. सो यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद मैंगो स्मूदीज. मेरा मैंगो स्मूदी और दूसरा मेरा जो फेवरेट है वो है कोकोनट मिल्क स्मूदी. ये दोनों मेरे सबसे फेवरेट है. मैंने कीवी भी ट्राई किया है यहाँ पे, पैशन फ्रूट भी ट्राई किया है, वो भी अच्छा है. बट कीवी और मैंगो का जो कॉम्बिनेशन है वो आप ट्राई कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है. बट दिस इज़ द बेस्ट, मैंगो एंड कोकोनट मिल्क स्मूदी. दिस टू आर द बेस्ट, दिस टू आर माई फेवरेट्स. और पूरा आइलैंड ऐसे ही नैरो लेन से भरा हुआ है, छोटे छोटे ऐसे रास्ते जा रहे हैं और दोनों साइड में आपको दुकानें ही दुकानें मिलेंगे. बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है ये आइलैंड. बट आई गेस बीचेस भी अच्छे हैं यहाँ के, तो बीचेस एक्सप्लोर करेंगे आज शाम को हम. और पूल पार्टी भी अटेंड करना है. तो बहुत कुछ करने के लिए है आज, तो काफ़ी हेक्टिक होने वाला है. ऑलरेडी मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ क्योंकि लगेज लेके चलना पड़ रहा है पूरा, ठीक है. तो इट्स नॉट दैट ईजी. और गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे फीफी आइलैंड में, बहुत ज़्यादा धूप है और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी है उसमें. फुकेट में वेदर काफ़ी अच्छा था, हल्का सा ब्रीज था, बट मे बी इट्स आफ्टरनून तो इसीलिए ज़्यादा फील हो रहा है मुझे. बट जो भी है काफ़ी टायरिंग लग रहा है मुझे. सो आई एम ऑलमोस्ट देयर इबीजा पूल पार्टी. यहाँ से कुछ 100 मीटर्स का डिस्टेंस है. सो ऑलमोस्ट देयर. और यहाँ पे म्यूज़िक की आवाज़ भी आ रही है मुझे, शायद पूल पार्टी स्टार्ट हो चुका है. तो देखते हैं जाके, चेक इन करते हैं उसके बाद पूल पार्टी. लेट्स गो. यप. सो दिस इज इबीजा हाउस, हियर वी आर, इबीजा हाउस पूल पार्टी. यहाँ पे पार्टी जोरों शोरों से चालू है. आई विल जस्ट गो टू द चेक इन काउंटर, पहले चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद आपको पार्टी का नज़ारा दिखाएंगे. जस्ट गॉट रेडी फॉर द पूल पार्टी. आपको अभी लेके चलते हैं पूल पार्टी में, द फेमस इबीजा हाउस पूल पार्टी मेरे पीछे ही है. लेट्स सी एंड लेट्स रॉक. पार्टी इज गेटिंग हॉट, बट वो रात के 9 बजे तक चलेगी. इससे पहले मैंने सोचा कि अभी लाइट है तो आपको मैं बीच भी दिखा देता हूँ. जस्ट ऑपोजिट टू द इबीजा हाउस पूल पार्टी इज द डालूम बीच. इट्स वेरी ड्राई, अभी लो टाइड चल रहा है तो पूरा पानी पीछे जा चुका है. तो इस बीच में आप स्विम नहीं कर सकते हो, बट व्यू काफ़ी अच्छा है. एंड दिस इज़ द मेन पार्टी बीच. यहाँ पे लाइन से सब क्लब्स है, बीच शैक्स है, जहाँ पे रात को अमेजिंग पार्टीज होती है और फायर शो वगैरह भी होता है. तो रात को मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, आफ्टर द पूल पार्टी एंड्स मैं यहाँ पे आपको लेके आऊँगा और दिखाऊंगा यहाँ पे रात का कैसा सीन रहता है फिफी आइलैंड में. तो अभी हम लोग डालूम बीच में है. यहाँ का जो मेन बीच है वो है टॉनसाई बीच, जहाँ पे हम लोग का पियर आया था. तो वहाँ पे भी बाद में आपको लेके चलूँगा और दिखाऊँगा कैसा होता है वहाँ पे. अभी बीच खाली है,
ज़्यादा लोग नहीं है तो बहुत सुकून सा फील हो रहा है, बट सामने पूल पार्टी भी चल रही है मेरे सामने, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो मैंने सोचा क्यों ना बीच पे थोड़ा वॉक कर लिया जाए और आपको भी दिखा देता हूँ बीच कैसा है यहाँ का। काफ़ी अमेजिंग व्यू है यहाँ से, आप देख सकते हो सामने पूरा एक लाइमस्टोन माउंटेंस का हिल है यहाँ पे, यहाँ पे भी लाइमस्टोन माउंटेंस का पूरा हिल है, तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है और क्राउड तो अच्छा है ही। सो इफ यू आर कमिंग टू फी फी, यू शुड स्टे हियर फॉर वन नाइट एंड एक्सपीरियंस दिस योरसेल्फ, क्योंकि लोग बहुत लोग क्या करते हैं फी फी आते हैं और डे ट्रिप करके वापस चले जाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट आप फी फी आइलैंड आओ और एक दिन के लिए एटलीस्ट स्टे करना, ताकि आप यहाँ का लोकल एक्सपीरियंस कर सको और यहाँ का वाइब एक्सपीरियंस कर सको। तो अगर आप डे ट्रिप में आते हो तो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ ही देर के लिए स्टॉप कराया जाएगा और फिर माया बे, मंकी बीच वगैरह वगैरह वहाँ पे लेके जाया जाएगा। बट गाइज यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी है, मुझे लग रहा है फुकेट से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, तो स्वेटिंग काफ़ी हो रही है, तो वेदर के हिसाब से आई वुड से फुकेट इज़ बेटर, बट इफ़ यू से अबाउट द वाइब, फी फी आइलैंड का वाइब बहुत अच्छा है। ये बीच पे तो आप काफ़ी दूर तक जा सकते हो, वहाँ पे मुझे लॉन्ग टेल बोट्स भी दिख रहे हैं, अभी मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे खाली है, बट अगर आप फ़ोटोज़ के लिए जा रहे हो तो आगे जा सकते हैं, बट अभी फ़ोटोज़ लेने का कोई सीन नहीं है। A few moments later. पार्टी वहाँ पे चली रही थी बट हम लोगों को थोड़ा भूख लगा था, इसीलिए हम लोग पास में ही आ गए थे यहाँ पे चिकन और राइस खाने के लिए, खाना खा लिया हमने, फिर से शायद पूल पार्टी पे वापस जाएंगे, उससे पहले यहाँ पे थोड़ा घूम रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ के सड़कों को। सो वी डिसाइडेड कि थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद पार्टी में वापस जाएंगे। 9 बजे तक चलेगी मोस्ट प्रॉब्ली पार्टी, 9 या 10 बजे तक, तो हम लोग अभी 7:30 बजे हैं, तो 8 बजे तक यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद पार्टी में वापस जाएंगे। तो सुबह तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे एक छोटी छोटी गलियाँ जाती है, उसके दोनों बाजू ऐसे दुकानें हैं, रात का माहौल भी दिखा देता हूँ आपको। बट फी फी बहुत कमर्शियलाइज्ड है, बट एक्चुअली हैपनिंग है, थोड़ा आइसोलेटेड है और क्राउड यहाँ पे बहुत फिल्टर्ड है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा यूरोपियन क्राउड मिलेगा, इंडियन क्राउड भी काफ़ी है, बट यहाँ पे क्राउड बहुत फिल्टर्ड है, पटाया बैंकॉक जैसा नहीं है, अच्छा क्राउड है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वो सब फ्रीलांसर्स वगैरह रस्ते में घूमते हुए नहीं दिखेंगे, काफ़ी डिसेंट क्राउड है। सो इफ़ यू आर कमिंग हियर एज अ कपल और आप हनीमून के लिए आ रहे हो या फिर आप बैचलर भी हो, यहाँ पे सोशलाइज़ करने के लिए आ रहे हो, तो बहुत अच्छी जगह है ये सोशलाइज़ करने के लिए।
गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को बहुत ही क्रेजी पार्टी हुआ डालुम बीच में। इबिजा हाउस के जस्ट ऑपोजिट में डालुम बीच है, तो आपने कल देखा कि बहुत क्रेजी पार्टी हुआ यहाँ पे। पूल पार्टी तो क्रेजी था ही, उसके ऊपर से बीच पार्टी वॉज अमेजिंग। बहुत ही अच्छा क्राउड था। मुझे लगता है कि अगर जितना आप आइलैंड्स पे आओगे ना, उतना क्राउड फिल्टर होते जाता है, उतना अच्छा क्राउड होते रहता है। बैंकॉक पटाया फुकेट में अच्छा क्राउड होता है, बट जितना आप आइलैंड्स पे जाओगे, फीफी उफानगन एक्सेट्रा, वहाँ पे क्राउड और भी फिल्टर होता है और भी अच्छा होता है क्राउड। तो अगर आप आ रहे हो फीफी आइलैंड डे ट्रिप के लिए, आई वुड सजेस्ट आप एक दिन स्टे कीजिए, ठीक है। एंड इफ़ पॉसिबल स्टे इन इबिजा हाउस और इन एनी प्रॉपर्टी, बट यू कैन ऑलवेज कम टू दिस प्लेस टू पार्टी, बिकॉज ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इस पूल पार्टी अटेंड करने के लिए आपको यहीं पे रहना है। आप यहाँ पे कुछ 150 baht दे के भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो एज़ फार एज़ आई रिमेंबर इट्स 150 baht, ओके। तो हम लोगों ने पे नहीं किया बिकॉज वी आर स्टेइंग इन दिस प्रॉपर्टी, बट कल कुछ अमेजिंग पार्टी हुआ। और बीच पे तो ऑब्वियसली इट्स फ्री एक्सेस, यू कैन ईजिली गो टू द बीच एंड पार्टी एट लेट नाइट। बट एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे 2-2.5 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। मतलब सिर्फ 7-Eleven के अलावा कुछ नहीं ओपन रहता है, सब फूड स्टॉल्स मार्केट सब बंद हो जाता है 2-2.5 बजे तक। सो दैट इज़ अ बमर। तो बहुत अगर आप लेट नाइट पार्टी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है पहले से, क्योंकि रात को 2-2.5 बजे बंद हो जाता है, बट 7-Eleven मिल जाएगा आपको। तो अभी प्लान है, हम लोग क्रैबी के लिए निकलेंगे। हम लोग का फेरी बुकड है 1:30 बजे का। इट्स ऑलमोस्ट 12:45 राइट नाउ। सो वी आर गोइंग टू हेड टू द पियर, जो टॉन साई पियर है यहाँ पे, वहीं से सब फेरीज जाती है। तो वहीं पे जा रहे हैं अभी। फिर यहाँ से क्रैबी कुछ 2 घंटे लगेंगे, फिर उसका अलग से व्लॉग आएगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं। आई होप फीफी आइलैंड आपको पसंद आया। मैंने यहाँ पे आइलैंड ट्रिप तो नहीं किया है, क्योंकि क्रैबी से मैं करने वाला हूँ आइलैंड ट्रिप, तो और फुकेट में भी किया था ऑब्वियसली। सो आई थिंक यहाँ पे आइलैंड ट्रिप का टाइम भी नहीं था, बिकॉज एक ही दिन के लिए आया था मैं। सो होपफुली आपको पसंद आया, क्योंकि मेनली मैं आपको फीफी का पार्टी सीन दिखाने के लिए लाया था यहाँ पे। तो आई होप वो आपको पसंद आया। और फीफी के आइलैंड ट्रिप्स तो बहुत ब्लॉग मिल जाएंगे आपको, बट यहाँ का पार्टी सीन शायद आपको ना देखने को मिले उतना। तो इसीलिए मैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द पार्टी सीन एंड कि यहाँ पे कैसा पार्टी सीन है, बीच पार्टीज कैसे होते हैं यहाँ के। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दैट इंस्टेड ऑफ एन आइलैंड ट्रिप। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग दैट विल बी इन क्रैबी। सो क्रैबी में मैं आउनांग बीच पे रुकने वाला हूँ। फिर आज वहीं पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे और क्रैबी का नाइट लाइफ भी दिखाएंगे आपको। और उसके बाद हम जा रहे हैं क्रैबी में आइलैंड ट्रिप के लिए, मोस्ट प्रोबेबली 4 आइलैंड ट्रिप। सो क्रैबी के एपिसोड जाने वाले हैं अभी, स्टे ट्यून्ड। बट अगर आपने व्लॉग पूरा देख लिया है एंड तक, यहाँ तक देख लिया है, तो ज़रूर इस व्लॉग को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इतने एफर्ट्स डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए, व्लॉग्स बनाता रहता हूँ, शॉट्स लेते रहता हूँ, सपोर्ट कीजिए इसको। एंड अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो को प्रमोट करता है दूसरे को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। सो सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर टिल देन। साइनिंग ऑफ फ्रॉम फीफी आइलैंड।